गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर विजय की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। प्यारे साथियों, ये आज से हम सिविक्स और हिस्ट्री की पूरी सीरीज जारी कर रहे हैं। हर रोज आपको इन दोनों सब्जेक्टों की वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम हर रोज नई वीडियो डालते हैं, आप उसको सबसे पहले सुन करके उसमें से अपने नोट्स बना सकें। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लीजिए, ताकि दूसरे साथियों को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। आइए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक पे, वो होता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। भारत का पहला नागरिक जो है वो राष्ट्रपति कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है कि भारत का संवैधानिक मुखिया, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक मुखिया या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं, क्योंकि देश का शासन चलाने की सारी शक्तियां संविधान ने राष्ट्रपति जी को दी हैं। और संवैधानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ संविधान में ही मुखिया है, क्योंकि इसकी जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूज की जाती है। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है, सशस्त्र सेना के भी सर्वोच्च कमान इसके पास होती है, यानी सुप्रीम कमांडर ऑल ऑफ द मिलिट्रीज, सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति इन्हें कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन जो होता है, भारत के राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप कहा जाता है। रबड़ स्टैंप का मतलब है सिर्फ एक मोहर मात्र इसको कहा जाता है, क्योंकि पावर इसके पास ऑटोमेटिकली कम होती है। पांचवा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। और आगे है छठा क्वेश्चन, राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद पर रह सकता है। दोस्तों, कई बार हम सुनने को मिलता है कि राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता, बट वो हमारे देश के लिए नहीं है। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति जितनी बार चाहे पद पर रह सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन यूएसए के लिए होता है। यूएसए में एक रूल है कि वहां पर 2 टर्म ही राष्ट्रपति ले सकता है, दूसरी 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। उसके बाद योग्यताएं क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। सबसे पहले क्वेश्चन क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है एज की, 35 वर्ष या उससे ज्यादा, यानी भारत के राष्ट्रपति की एज 35 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस 35 साल की एज में दोस्तों 4 लोग काउंट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सारे के सारे लोग 35 साल या उससे ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद तीसरा है उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, वही सारी की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। और कोई भी लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखना ये पॉइंट को, लाभ का पद। आपने देखा कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को राष्ट्रपति ने और चुनाव आयोग ने पद से निरस्त कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुकदमा बनता था। तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी किसी दूसरे राजनीतिक पद के ऊपर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक पॉइंट और होता है दोस्तों इसमें, पागल या दिवालिया, ये भी कहा जाता है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंकक्रप्ट, जैसे आजकल नीरव मोदी का मुकदमा मामला चला हुआ है। पागल नहीं होना चाहिए, साइको या मेंटली इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेजियस बोर्ड कहा जाता है। ये निर्वाचक मंडल होता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या, राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलेंगे रेशियो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। और इसके तहत है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको बोलेंगे इंग्लिश वाले सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब है एक व्यक्ति को भारत में एक ही वोट डालने का अधिकार है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब का मतलब होता है एमएलए और एमपी के वोटों के बीच में रेशियो बनाना। अब इस निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, निर्वाचक मंडल में सबसे पहले आएंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
तीसरे पे है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथे पे है दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों यहाँ पे एक बात खास दिखेगी आपको, निर्वाचित वर्ड लिखा हुआ होता है, निर्वाचित को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टेड। अब यहां ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जैसे लोकसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा में टोटल लोग होते हैं 545 आज के समय, जिनमें दो व्यक्ति ऐसे हैं जो एनआरआई होते हैं और जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अब जिन लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा वो राष्ट्रपति को वोट नहीं डालेंगे, इसलिए यहां सिर्फ इलेक्टेड लिखा गया है, 543 लोग वोट डालेंगे। दूसरे नंबर पे है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी सेम लॉजिक है, यहाँ पे 245 लोग होते हैं लेकिन इनमें से 12 फेमस पर्सनैलिटीज को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालेंगे, तो यहाँ टोटल लोग होंगे 233। स्टेटों की विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, भारत के अंदर 29 स्टेट हैं और हर स्टेट के अंदर एक जो एमएलए है वो गवर्नर के द्वारा चुना जाता है बाई प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो वो भी व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट नहीं देगा। उसके बाद हमारे पास जो 7 यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, उनमें दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है और वहां के भी इलेक्टेड मेंबर वोट डालेंगे, तो ये चारों टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद ये चित्र के द्वारा भी दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चुना जाता है। यहाँ पे आप वोटर को देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आम लोग हम लोग हैं, वोटर वोटर इधर जब वोट डालते हैं तो हम एमपी को चुनते हैं, इधर जब हम वोट डालते हैं तो हम एमएलए को चुनते हैं। ये एमएलए जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली बनाते हैं, विधानसभा इनको कहते हैं, और ये जो एमपी हैं ये यहां पर आकर के पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा भी राज्यसभा भी ये लोग वोट डालेंगे, यहाँ पे भी आपके पास राज्य विधानसभा के लोग हैं ये लोग वोट डालेंगे, दिल्ली विधानसभा और पांडिचेरी के यूनियन टेरिटरी के लोग बीच में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, इसमें भारत के राष्ट्रपति के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, कौन से पर्सन इसके ऊपर आ सकते हैं, या हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट भारत के रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो आता है कि भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति पूछे जाते हैं। दोस्तों यहां कई बार वर्ड यूज होता है कि रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक इंडिया के पहले राष्ट्रपति, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे या फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहेगा, क्योंकि 1950 के बाद ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक काउंट होने लगे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर होता है, दो बार, टू टाइम्स भारत के राष्ट्रपति सिर्फ यही रहे हैं, उसके बाद किन्हीं को भी दूसरा मौका किसी को भी अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी हैं राजेंद्र प्रसाद के बाद सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट बने, और इनके ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इनके नाम से भारत में टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। दूसरा, यही एकमात्र भारत के प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और जिन्हें भारत रत्न भी मिला। ये तीनों रिकॉर्ड सिर्फ एक ही व्यक्ति, इनके नाम भारत के अंदर आज तक दर्ज हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को लेकर के। जाकिर हुसैन जी पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहले होता है कि भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अगर आता है तो हमारे ऑप्शन में सबसे पहले मिलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और हम सोचते हैं कि अब्दुल कलाम जी ही पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बट वो गलत होता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीवी गिरी को लेकर के। वीवी गिरी पे क्या क्वेश्चन होता है? वीवी गिरी भारत के एकमात्र प्रेसिडेंट हैं जिनको सेकंड राउंड काउंटिंग से चुना गया। सेकंड राउंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड राउंड काउंटिंग से चुने जाने वाले भारत के एकमात्र प्रेसिडेंट बताओ। इसको हिंदी के अंदर कहते हैं दोहरे चरण की गणना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्ला, इसको एम हिदायतुल्ला खान कहते हैं। ये एम हिदायतुल्ला खान भारत के एकमात्र सीजेआई हैं। सीजेआई का मतलब होता है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के एकमात्र सीजेआई हैं जो देश के प्रेसिडेंट के पद पर रहे हैं, यही एकमात्र चुने गए हैं। उसके बाद है दोस्तों
फकरुद्दीन अली अहमद, इसे एफ ए अहमद भी कहते हैं। एफ ए अहमद के ऊपर जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि इन्होंने इंदिरा गांधी जी के कहने पर 1975 से 77 के बीच में देश में एमरजेंसी लगाई थी। इन्हें एमरजेंसी काल का राष्ट्रपति कहा जाता है, जिसका पूरे भारत में पूरी आलोचना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र प्रेसिडेंट है भारत के जिनको सर्वसम्मति से चुना गया है। ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों आता है, तो ये आता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया। सर्वसम्मति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों जनरल ओपिनियन, यानी बिना वोटिंग के, आम सहमति के। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी पहला ही ऑप्शन जो होता है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी होता है। हम समझते हैं कि यार इतने अच्छे राष्ट्रपति रहे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्हीं के लिए वोटिंग नहीं हुई होगी। बट नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश में उनके लिए भी वोटिंग करवाई गई थी। सिर्फ नीलम संजीवा रेड्डी जी थे जिनके लिए वोटिंग नहीं हुई है। और इसके पीछे भी एक मजेदार स्टोरी है। जब नीलम संजीवा रेड्डी जी चुनाव में उतरे थे राष्ट्रपति के लिए, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के इनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया इनके रिश्ते बिगड़ गए। और खुद इंदिरा गांधी ने अपने वोटर से ये कहा था कि आप लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना। उसका सीधा सा मतलब था कि इनको हरा देना, इनको वोट मत देना। और ये हार गए थे, लेकिन जब दोबारा 5 साल के बाद फिर चुनाव आए तो इनके रिश्ते अच्छे हो चुके थे। तो इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने पिछली हार का बदला चुकाने के लिए इनसे इन्हें बनवाया था, विपक्षी दलों से भी बात करके। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है पहला सिख प्रेसिडेंट, भारत के सबसे पहले सिख प्रेसिडेंट रहे। दूसरा क्वेश्चन जो इनके बारे में काफी स्ट्रॉन्ग बनता है वो होता है पॉकेट विटो। पॉकेट विटो यानी जेब की पावर, जेबी शक्ति। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई प्रेसिडेंट लंबे समय तक संसद के द्वारा पास किए गए, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास किए गए बिल के ऊपर साइन नहीं करता है तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इसकी शुरुआत ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि 1984 के सिख दंगों के बाद भारत के अंदर काफी मात्रा में सिखों को हत्याएं कर दी गई थी, खालिस्तान की मांग उठी थी। और खालिस्तान की मांग के बाद एक बिल आया था इंडियन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है किस बिल के मामले में, इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1984-85। इसके मामले में इन्होंने साइन नहीं किए थे क्योंकि पंजाब से रिलेटेड था, इनको अपनी कौम और अपनी जो जाति थी, धर्म था, उनका काफी ख्याल था, तो उस वजह से इन लोगों ने सख्त कदम नहीं उठाया था। उसके बाद अगला नाम आता है दोस्तों केआर नारायण। केआर नारायण जी के ऊपर क्वेश्चन आता है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। अभी जो 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं रामनाथ कोविंद जी, तब भी ये मुद्दा उठा था कि भारत के दलित राष्ट्रपति हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले दलित राष्ट्रपति केआर नारायण जी रह चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी पे क्या क्वेश्चन आता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर पहला क्वेश्चन आएगा भारत के पहले साइंटिस्ट राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन आएगा पहले नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट। ये पहले व्यक्ति हैं देश के राष्ट्रपति जो नॉन पॉलिटिकल रहे हैं, जिनका किसी रास्ते से, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, भारत के बहुत सम्माननीय व्यक्ति रहे हैं। उसके बाद है प्रतिभा देवी पाटिल जी। प्रतिभा देवी पाटिल जी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और उसके बाद है दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। 2017 से लेकर के 2022 तक का इनका कार्यकाल है। बनने से पहले दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ सकता कि बनने से पहले क्या थे, बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे, यानी राज्यपाल थे बिहार के, और इन रहने वाले हैं यूपी के कानपुर के। देश के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कई सालों तक वकालत भी कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों महाभियोग। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाने का एक तरीका होता है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े पदों के ऊपर लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज, इनको सेम प्रक्रिया से हटाया जाता है। इसको समझते हैं दोस्तों हम। राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग आएगा वो सिर्फ संसद में ही आ सकता है, संसद के दोनों सदनों में से कहीं भी जा सकता है। और दोनों सदनों में से कहीं भी जाने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा में आता है
या राज्यसभा में आता है। अगर पहले लोकसभा में आता है तो लोकसभा के 1/4 यानी 25% लोगों के साइन होने चाहिए पेश होने के लिए। अगर वो पेश हो जाता है तो फिर वोटिंग होगी। अगर 2/3 लोग उसको पास कर देते हैं तो वो यहां से पास होकर के सदन में जाएगा, यहाँ पे फिर सेम प्रक्रिया, फिर वोटिंग। अगर 2/3 लोग यहां से भी पास कर देते हैं तो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव पास हो जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब जब जैसे ही ये प्रेजेंट होता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ भी महाभियोग आया है उसको इसकी जानकारी दी जाती है कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भी इम्पीचमेंट आता है कितने दिन पहले उसको जानकारी दोगे। और ये जानकारी कैसे होती है दोस्तों, लिखित में होती है, रिटिन में होती है, और उसको ये मौका दिया जाता है कि वो चाहे तो संसद में प्रेजेंट होकर के अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई दे सकते हैं। अगर खुद नहीं आना चाहते तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, बट उनको बुलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट्स की पावर क्या होती है, किन किन लोगों को राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले होगा पीएम, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये पावर उनके पास है। ये एक अलग मुद्दा है कि जिस भी सदन को, लोकसभा के अंदर जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई जाती है, ये एक रूल भी है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के द्वारा जिन मंत्रिमंडलों के लोगों के नाम दिए जाएंगे, राष्ट्रपति का ये अधिकार भी है कि वो मंत्रिमंडल के लोगों की, मंत्रिपरिषद के लोगों की नियुक्ति भी करेगा। तीसरा है दोस्तों महान्यायवादी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अटोर्नी जनरल। अटोर्नी जनरल की नियुक्ति करने का राइट भी राष्ट्रपति के पास होता है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों अटोर्नी जनरल होता क्या है। अटोर्नी जनरल सेंट्रल सरकार का सरकारी वकील होता है, लीगल एडवाइजर होता है। आज के समय इस पोस्ट पर जो व्यक्ति है उसका नाम भी मैं आपको करंट का बता देता हूं साथ में, के वेणुगोपाल, ये क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद है चौथा काम है इसका, फोर्थ नंबर पे CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रण महालेखा परीक्षक कहते हैं दोस्तों इसे। इसके नियुक्ति करने का सरकार राइट भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसे हम देश का सबसे बड़ा ऑडिटर कहते हैं। इस पोस्ट के समय, आज के समय जो है वो मिस्टर राजीव जी हैं। उसके बाद है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके साथ साथ राज्यों के राज्यपाल, जितने भी स्टेट्स में गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति करने का राइट राष्ट्रपति के पास होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट्स, भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके जजों की नियुक्ति करेगा दोस्तों। भारत के अंदर 24 हाई कोर्टों की संख्या टोटल है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, UPSC, UPSC का चेयरमैन और उसके मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी। वित्त आयोग के सदस्य, फाइनेंस कमीशन, दोस्तों फाइनेंस कमीशन के सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य तथा अन्य आयुक्त, इसको बोलते हैं दोस्तों CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसके 3 सदस्य होते हैं, एक होता है चीफ, 2 होते हैं अदर। आज के समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे हैं उनका नाम है श्री अचल कुमार ज्योति। यहाँ पे दोस्तों ये जरूरी है कि CEC का जो कार्यकाल होता है वो भारत में 6 साल का होता है, और एक जो CAG हमने पढ़ा था उसका कार्यकाल भी 6 साल होता है, बाकी ज्यादातर लोगों का 5-5 साल होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारत में किसका कार्यकाल 6 ईयर है, CAG और आपका अचल कुमार ज्योति जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस पद का भी होता है। उसके बाद दोस्तों किन किन लोगों को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाया जा सकता है राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर, राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है किसी भी स्टेट का, उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर UPSC के अध्यक्ष और सदस्य, जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार के ऊपर भारत के अंदर UPSC या फिर स्टेट कमीशन के सदस्यों को हटाया जा सकता है, चेयरमैन को भी हटाया जा सकता है। संसद की रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाना हो राष्ट्रपति को तो उसके लिए क्या जरूरी है, संसद की रिपोर्ट जरूरी है। जिस तरीके से मैंने पहले डिस्कस किया था महाभियोग चलेगा, महाभियोग ही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, और महाभियोग संसद में चलेगा यानी संसद की महाभियोग संबंधी रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति जिनको हटा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों जुडिशियल पावर्स। इससे पहले मैं दो क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस कर देता हूं। एक टॉपिक हमारा बचता है सैलरी का, राष्ट्रपति जी की सैलरी। राष्ट्रपति जी की सैलरी जो है वो पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, 1.5 लाख रुपए पर महीना, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। 1.5 लाख रुपए महीना से इसको 5 लाख कर दिया गया है, और 5 लाख रुपए जो सैलरी इनको मिलेगी पर महीने वो टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री होगी क्यों? क्योंकि टैक्स फ्री इसलिए होगी क्योंकि इनको जो सैलरी दी जाती है वो संचित निधि से दी जाती है, जिसे इंग्लिश वाले बच्चे कंसोलिडेटिंग फंड कहते हैं। और जिन जिन लोगों को भारत में कंसोलिडेटिंग फंड यानी संचित निधि से सैलरी देते हैं, उन सब की सैलरी टैक्स फ्री होती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज, काफी सारे लोग काउंट होते हैं। उसके बाद एक टॉपिक और हमारे इसमें छोटा सा बच जाता है, ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाएगा, ओथ यानी शपथ कहेंगे, प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाएगा वो सीजीआई दिलाएगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ना हो तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो 30 जज अलग बचते हैं सीजीआई को छोड़ करके, उनमें जो सबसे सीनियर होगा वो दिलाएगा। क्यों? क्योंकि सीनियर जज ही आगे आने वाला, नॉर्मली उसको अगला हम अपकमिंग सीजीआई के रूप में देखते हैं। उसके बाद एक होता है कि पोस्ट को अगर राष्ट्रपति बाई चांस ना हो, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तो उस जगह को कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट। और अगर ये भी ना हो तो कौन लेगा जगह को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर ये भी ना हो तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां तक कभी नंबर नहीं आया है, लेकिन प्रेसिडेंट ना हो वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट लेनी पड़े, ये कई बार हो चुका है, और सीजीआई भी एक बार बन चुका है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, कि एकमात्र सीजीआई जिनको प्रेसिडेंट के रूप में पोस्ट मिली थी उनका नाम है एम हिदायतुल्ला खान। आइए दोस्तों अब इस टॉपिक को हम देखते हैं। जुडिशियल पावर क्या क्या होती है? समाधान यानी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। भारत के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जिन लोगों को सजा मिलती है वो राष्ट्रपति जी के पास जा सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं मर्सी पिटीशन, यानी हिंदी वाले क्या कहेंगे? दया याचिका। और दया याचिका जब राष्ट्रपति जी के पास लगती है उसको राष्ट्रपति जी उसको माफ कर सकता है, लेकिन एक सावधान रहे दोस्तों, माफ फांसी के अपराधी की सजा को माफ नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माफ नहीं किया जा सकता। यह कंफ्यूजन बच्चों को रहता है ज्यादातर। दूसरा, दंड को कम करना, सजा को कम कर सकते हैं, 20 साल को 10 साल, 10 साल को 5 साल, जो भी तरीका होता है। दंड की प्रकृति को यानी चेंज करना, तीन चीज होती है दोस्तों, माफ करना, कम करना और बदल देना। सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है, जैसे फांसी है तो उम्र कैद कर दिया उसको, इस तरीके से, यानी माफ करना लेकिन फांसी को नहीं, कम करना कम हो सकता है, बदलना सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है, बल्कि पोलाइट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उम्र कैद को फांसी दे दी, नहीं, फांसी वाले को उम्र कैद कम किया जा सकता है, दंड को निलंबित किया जा सकता, सस्पेंड कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन या फिर कई बार बोलते हैं संकटकालीन शक्तियां कौन सी होती है? दोस्तों राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर होती है वो हमने ली कहां से? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, भारतीय संविधान में कहां से ली हमने? जर्मनी से लिया गया। अगर वैसे ध्यान ना रहे तो एक लॉजिक आप लगा के यहां देखेंगे कि भारत के प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, रियल पावर नहीं होती है। रियल पावर किसके पास होती है? पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाती है तो प्रधानमंत्री की शक्तियां खत्म हो जाती हैं, रियल पावर किसके पास आ जाती है? प्रेसिडेंट के पास। और आप मान के चलेंगे अगर प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाएंगी तो प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? हिटलर। हम क्या कहते हैं पावर वाले व्यक्ति को? तो हिटलर हो गया भाई। और अगर हिटलर हो जाएगा तो हिटलर कहां का था? जर्मनी का था। तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर हमने कहां से ली है? जर्मनी से। ये आपका क्वेश्चन यहां लॉजिक लग जाएगा शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जर्मनी के वाइमर संविधान ने हमने इसको लिया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन सी शक्तियां होती, तीन होती हैं ये। सबसे पहले आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, इसके तहत युद्ध, वॉर हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई विदेशी हम पर आक्रमण कर दे, मिलिट्री विद्रोह हो जाए कोई, या फिर एक वर्ड इसमें यूज होता है सिविल वॉर, गृह युद्ध कहते हैं इसको, ये हो जाए, इन चार आधार पर इमरजेंसी लग सकती है इस आर्टिकल के तहत। एक वर्ड होता था पहले आंतरिक अशांति, इसको
अमेंडमेंट के द्वारा यानी 1977 में हटा दिया गया था, क्योंकि 1975 से 77 तक जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इसका मिसयूज हुआ था, इसलिए आज ये चार है इसको निकाल दिया गया था। उसके बाद एक बात देखेगी दोस्तों, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है इस आर्टिकल के तहत तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो रद्द हो जाते हैं। लेकिन दो मौलिक अधिकार हमारे इस दौरान रद्द नहीं होंगे, 20 और 21, 20 एंड 21, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखें दोस्तों कैसे कैसे कब कब हमारे देश में लगी है। इस आर्टिकल के तहत हमारे देश में जो इमरजेंसी लगी है वो 3 बार लग चुकी है। सबसे पहले 1962, रीजन क्या, भारत चीन युद्ध। 1971, रीजन क्या था, भारत पाकिस्तान युद्ध। और तीसरा 1975 से 77, जो इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, इंटरनल पीसफुल माहौल नहीं था, अनपीस एनवायरनमेंट था, इस वजह से आंतरिक अशांति की वजह से उन्होंने लगवाया था। इसकी काफी आलोचना भी हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये इमरजेंसी लगाई उस समय राष्ट्रपति कौन थे, F.A. अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद आगे दूसरा नंबर है दोस्तों आर्टिकल 356, 356 के तहत जो इमरजेंसी लगेगी वो स्टेट लेवल की होती है, किसी स्टेट विशेष तक लिमिटेड होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों कि राष्ट्रपति 356 के तहत जो लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति शासन कहेंगे। राष्ट्रपति शासन सिर्फ इसी आर्टिकल को बोलते हैं, 352 को हम नहीं कहेंगे, वो इमरजेंसी होगी, 360 वाली फाइनेंशियल होगी। अगर राष्ट्रपति शासन पूछा गया है तो हमारा आंसर सिर्फ 356 ही रहेगा। और ये किसकी सिफारिश पर लगाई जाएगी, गवर्नर यानी राज्यपाल, राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर। राज्यपाल के जिस स्टेट का भी राज्यपाल है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देगा। दो तीन रीजन हो सकते हैं इसके, अगर राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम ना हो तो राज्यपाल सिफारिश कर सकता है। राज्य के अंदर कोई भी पार्टी बहुमत में ना हो, सरकार स्थायी ना हो, तब भी लगाई जा सकती है। अपने स्टेट देश में भारत में आज तक ये 100 बार लग चुकी है, और 100 बार में अगर लिस्ट बना के देखते हैं, आपके क्वेश्चन क्या आता है, पहली बार कब लगी, 1951 में, कहां, पंजाब में। 100वीं टाइम्स यानी अब तक लास्ट बार कहां लगी, कब लगी, 2016 में, कहां, अरुणाचल प्रदेश। एक तो ये क्वेश्चन देखने दोस्तों आपको। अगर एक पीछे जाते हैं 99 नंबर पे, 2016 में ही थी सेम, ये भी उत्तराखंड। इससे पहले जाओगे तो 98 नंबर, 2015, भारत की राजधानी दिल्ली। हरियाणा वाले बच्चों के लिए, हरियाणा में कई बार पूछा जाता है, 3 बार टोटल लगी है, 1967, 1977, 1991, टोटल मिलाकर के 1 साल लगभग कहा जाता है। एग्जैक्ट डे देखोगे तो 362 डेज। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल नंबर 360, अमेंडमेंट 360 के तहत क्या रूल होता है। अमेंडमेंट 360 के तहत ये होता है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वित्तीय संकट। यह भारत में अभी तक नहीं लगा है, और दुआ करें दोस्तों कभी लगे भी ना, क्योंकि यह तब लगाया जाता है जब देश दिवालिया हो जाए, देश के आर्थिक संकट या आर्थिक साख गिर जाए, यह माहौल होता है। एक बार टाइम भारत में आया था 1991 के बाद, लगा था कि लग जाएगा, बट हमारे देश के नेताओं ने और सरकारों ने उसको बचा लिया था। उसके बाद आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे। दोबारा फिर बता देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 8447410108, डॉक्टर विजय के नाम से इसको सेव कर लेंगे। और जो भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी पेपर चाहिए लेटेस्ट किसी चीज़ का, तो आप हमसे ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो क्लासेस ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं।